हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ट्रू रास्ता। आज रसोई का समझदार जानकारी के साथ एक कमेंट आया है जो कि हमारे व्यूज किए हुए हैं, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि सर मैंडेटरी मैन कैसे बने, कितना सैलरी मिलता है। तो जानकारी के लिए बता दें कि जो भी घर में मैंडेटरी इन्फेक्शन करने लोग आते हैं, तो ये कैसे मतलब ये बने, इसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए, कैसे क्या कुछ है, क्या इसका सैलरी है, सारा कुछ हम अपने वीडियो में क्लियर करने वाले हैं बड़े कम समय। जानकारी के लिए बता दें कि जो भी रसोई गैस आप यूज करते हैं, उसके लिए जो है हर एक 2 साल पे या 5 साल पे आपके यहाँ एक मैंडेटरी मैन यानी एक मैंडेटरी स्टाफ जाते हैं, जो कि सारी चीज़ों की जानकारी लेते हैं और आपको पर्ची काट के देते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि ये जो काम करते हैं, इस काम में लगते कैसे हैं। तो उसका जो इन्होंने कमेंट किया हुआ था, तो इनके रिप्लाई मैंने इनके अंदाज में दे दिया, जो कि बिल्कुल मैंने उसमें यह समझा दिया कि सर ये बिल्कुल गार्ड के जॉब की तरह है। यानी जो भी आप गार्ड का जॉब कहीं करते हैं, तो किसी गार्ड से संपर्क किए और वही आपको कहीं गार्ड में लगा देगा कि फलाना जगह गार्ड का वैकेंसी खाली है, जिसमें हम हैं या किसी में भी हैं, लिंक का पैसा है तो वहाँ पे जाइए, आपको गार्ड का जॉब मिल जाएगा। ठीक उसी तरह मैंडेटरी का भी है, लेकिन ये जो फील्ड में वर्क कर रहे हैं उनके लिए है। अगर आप चाहें कि खुद का आप जो है डायरेक्ट जो है डीलर से बात करके खुद के मैंडेटरी का आप पूरा जैसे ले लें, उसका जो भी उसका ये होता है डायरेक्टली आप ले करके अपने हिसाब से आप स्टाफ रखें, तो सारा कुछ हम जानकारी बताने वाले हैं। सबसे पहले बताएंगे कि उसमें जो वर्क कर रहे हैं वर्कर, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आपके यहाँ मैंडेटरी मैन आते हैं, उनको जो है गैस सिलेंडर चूल्हा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और कम से कम इतना पढ़ा तो होना चाहिए कि स्लिप में वो कंज्यूमर उपभोक्ता जो भी होते हैं रसोई गैस वाले, उनका नाम, कंज्यूमर आईडी, ये सब लिख सकें, ठीक है। और जो है घर में जाकर के चूल्हा सिलेंडर का रख रखाव सारा कुछ आपको जानकारी वहाँ एजेंसी में ही बता दिया जाता है कि इस तरह से आपको वहाँ ऐसे बताना है, सारा ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसके सैलरी अगर बात करें, तो वो सैलरी आपको जो भी देंगे वो मिनिमम मान लीजिए आपका एक वो कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे कि दिन भर में आपको इतना करना है, तो उसमें आपको इतना पैसा मिलेगा, मोटा मोटी अक्रॉस 8 to 10,000 यानी 8 से 10,000। अगर आप चाहते हैं कि पूरे जो है एजेंसी से हम ले करके और अपना बंदा को उसमें काम दे, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सीधा जा करके गैस प्रोप्राइटर यानी गैस एजेंसी के जो मालिक हैं उनसे संपर्क करना होगा, और अपना परसेंटेज आप बात कर लेंगे उससे कि सर हम इतना परसेंट आपको दे देंगे। तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि IOCL से ऊपर से जो है आते हैं, ये एजेंसी से ऑफिस से ही संपर्क किया जाता है, जो कि गैस एजेंसी के जो मालिक होते हैं उनसे ही आप संपर्क करके उस एरिया का सारा आप जिम्मा ले लेंगे कि सर मैं कराऊंगा, हमारे साथ इतने लड़के हैं, और जो आपके साथ लड़के हैं उसको आप सैलरी दें, और वहां से जो है आप एडवांस के रूप में पैसा ले लेंगे, और जैसे ही बिल काट करके वहां आप जमा करेंगे, तो जो भी आप पैसा कलेक्शन करेंगे वो पैसा वहां जमा देंगे, और उसमें आपका परसेंटेज आपको वहां से मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका चैनल ब्लॉग चैनल चलता है, और एक जो हम कह सकते हैं कि प्राइवेट ही संस्था है, आप खुद से भी इसको लेकर के जो है किसी एजेंसी में चला सकते हैं, अगर आपके पास बंदे हैं और आपका इसके पास एक्सपीरियंस है। तो बिना एक्सपीरियंस वाले को तो एजेंसी वाले देंगे ही नहीं, आपसे पहले पूछेंगे कहीं आपने मैंडेटरी का काम कराया नहीं कराया है। ट्रस्टेड भी वो लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आपसे वो काम ले लिए और आप उनका काम करके पैसा लेके फूर हो गए, तो वो फिर आपको कहाँ खोजेंगे। तो इसमें जो है शुरू शुरू मुझे भी ऐसा बहुत लगता था कि ऐसा इसमें वैकेंसी निकलता है क्या है नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसानी से है जो मिल जाता है। अगर आप भी इच्छुक हैं और गैस के बारे में आपको नॉलेज है, तो आप आसानी से जो ले सकते हैं, एक मिनिटी इन्फेक्शन से ही जो करने आ रहे हैं उनसे ही कॉन्टेक्ट करके आप जॉब ले सकते हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का जो जानकारी था यही था। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।